हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे जाने माने गायक हंसराज जी, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। सर, देखा जाए जिस तरीके से आपने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ के आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसके पीछे की वजह क्या है? कोई वजह नहीं, एक बादशाह जो अपने आप को फ़कीर कहता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र भाई मोदी साहब, उनका बयान देखा मैंने टीवी पे, कहने लगे कि मैं देश के लिए पैदा हुआ हूँ, देश की सेवा करता करता मर जाऊँगा, अच्छे काम उनको हज़ार वर्ष मालिक ज़िंदगी दे, अच्छे काम करने में अगर रुकावट डाली तो मैं फ़कीर हूँ, झोला उठाऊँगा और निकल जाऊँगा, कुर्सी का भूखा नहीं। बस इस बयान पे, ये बयान मुझे लड़ गया, मेरे दिल को असर कर गया, तो मैं बीजेपी में आ गया। बस छोटी सी बात है। अगर सियासी नज़र से अगर सवाल किया जाए तो कहीं आपका लक्ष्य पंजाब का चुनाव तो नहीं है? नहीं, मेरा तो पूरा हिंदुस्तान है, मैं तमाम दुनिया में घूमता हूँ, बल्कि इंटरनेशनल मालिक की दया से मेरा नाम है। पंजाब में पैदा हुआ हूँ, पार्टी जहाँ भी ड्यूटी लाएगी, जहाँ भी मुझे भेजेगी, जिस शक्ल में भी भेजेगी, तो मैं जाके प्रचार करूँगा। पंजाब की बात करें तो ड्रग्स के मसले को लेकर लगातार अपोजिशन पार्टी खासतौर पर कांग्रेस जो है सवाल उठाती हुई नज़र आ रही है, आप इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे? पंजाब गुरुओं पीरों पैगंबरों की धरती है, सूफियों की धरती है, तो मैं सोचता हूं कि उसको बदनाम ज़्यादा किया गया है। अगर कोई ऐसी बात भी है तो वी शुड प्रे, हमें प्रे करनी चाहिए कि उनको ऐसा रूलर मिले, उनको ऐसा शासक मिले जो रूहानियत पसंद हो, जो धरती को भी प्यार करे, वहाँ के लोगों को भी प्यार करे, और वही बात करे जो गुरु नानक साहब ने की थी कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, और जो सूफियों ने कही थी ना मैं मस्त हूँ ना हूँ शराबी, मुझे मैं कदे की खबर नहीं, तेरे इश्क ने वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। अब आपके सामने है, मैं स्टेज पर कितना गाया हूँ, फिल्मों में भी गाया हूँ, पूरी दुनिया में शोज़ किए हैं, मैंने कोई ज़िंदगी में नशा नहीं किया। संगीत 10 मिनट बाद मुझे पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। अगर नोटबंदी पर अगर सवाल किया जाए तो जहाँ आम जनता लाइनों में खड़ी नजर आ रही है, वहीं लगातार कांग्रेस जो है इसे घोटाले का नाम दे रही है। देखो, पीएम साहब ने कहा कि थोड़े दिनों की बात है, फिर तमाम उम्र आपकी बहुत सुखद गुजरेगी, गरीब को सुख दा सा आएगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ये बड़ा स्टेप लेना पड़ना था। उन्होंने खुद ही तो बोला कि राशन की दुकानों में भी तो लाइनें लगती हैं, मिट्टी का तेल के लिए क्रॉस, इस तरह की बातों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। नहीं, उनका अपोजिशन फिर क्या हुई, अगर उनको उन्होंने कोई ना कोई तो बात करनी है, इसीलिए अपोजिशन है। उसका तो लफ्जी माने ये हैं कि उनका अखलाकी फ़र्ज है कि अच्छी बात को भी बुरा कहना, बुरी को तो वो शायद इग्नोर कर दें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सर, वाकई जिस तरीके से हंसराज हंस जो कि जाने माने गायक हैं, इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर अब बीजेपी का दामन थामा है, और इनका भी कहना है कि नोटबंदी का फैसला काफ़ी सही है, और रही बात विपक्ष की तो विपक्ष का काम ही है विपक्ष में खड़ा होना। कैमरा पर्सन नीरज के साथ जागते सिंह, मनसुख टीवी, दिल्ली।